हेलो फ्रेंड्स, फूडी टेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A10s में एंड्रॉइड 11 कैसे अपडेट करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, न्यू सॉफ्टवेयर इसको कैसे डाउनलोड करते हैं, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आपने फूडी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे एक रेड बॉक्स आ जाएगा, उसको क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। और इसी के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए दोस्तों हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर टॉप साइड पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन आएगी। अगर यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन नहीं आई तो आप सीधा सेटिंग में चले जाइए। आपके फ़ोन के सेटिंग में चले जाने के बाद सेटिंग पे टैप कीजिए। सेटिंग पे टैप करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आएगा आपको सॉफ्टवेयर अपडेट, उसके ऊपर टैप कीजिए। इसके ऊपर टैप करने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल बोल के, उसके ऊपर टैप कीजिए। दोस्तों उसके ऊपर टैप करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह सा पेज आएगा। और आपको देख सकते हैं एंड्रॉइड 11 है यहाँ पर, अपडेट न्यू आया है, इसको आप डाउनलोड पे टैप करना है। दोस्तों डाउनलोड पे टैप करने के बाद यहाँ पर आपका अपडेट डाउनलोड हो रहा है। दोस्तों ये आप डाउनलोड करने के टाइम, दोस्तों ये आप इंस्टॉल करने के टाइम आपका बैटरी 35% से अबो रहना चाहिए। और आपको ये पूछेगा या डाटा से कनेक्ट कर रहे हो या वाईफाई से आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो, इस तरह से आपको ये पूछेगा। दोस्तों और आप एक बार सेटिंग में जाइए, चेक कर लीजिए आपका जो है सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है या नहीं है। देखिए दोस्तों इस तरह से आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, आप इसको ऊपर पर टैप कीजिए। बस दोस्तों एक सिंपल सा मेथड था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इसी तरह हम अमेजिंग वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।